अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अथर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज हम ग्राउंड में आए हैं ट्रेनिंग करने, काफ़ी दिनों बाद आया था, थोड़ा सा वॉक शॉक किया है, उसके बाद मैंने कहा चलो ये बहाना अच्छा है, जगह अच्छी है, ज़बरदस्ती है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम हफीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। हफीज़ इंजर्ड हो गए, इंजर्ड तो नहीं हुए, हफीज़ वनडे कप, डोमेस्टिक वनडे कप से बाहर हो गए हैं, जो पाकिस्तान में चल रहा था, और वो मुझे लगता है कि उनको वो जो फूड पॉइज़न हुआ है उसकी वजह से अब ये इसका दोबारा कोई मैच नहीं खेल पाएंगे इसमें। गो के इनका नाम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी इनका नाम शामिल है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इनका इस कप में होना का क्या फ़ायदा था और इनको बाहर होने से क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और कंपेयर करते हैं इनके इस सिचुएशन से कि हम एज अ यंगस्टर्स के लिए कि उनके लिए क्या इसमें मैसेज है, उनको इन चीज़ों से क्या सीखना चाहिए। क्योंकि याद रखें, जब भी अगर हमने ग्रो करना है, हमने कामयाबी हासिल करनी है, तो हमने हर लम्हे हर बात से और हर चीज़ से चीज़ों को सीखना है, समझना है, ताकि हम समझ कर चीज़ों को लेकर अच्छे फैसले कर सकें और अच्छे तरीके से अच्छी डायरेक्शन में जा सकें, जिसके रिजल्ट कामयाबी की सूरत में हमारी तरफ आ सके। हफीज़ फूड पॉइज़न हुआ है, वो होटल गए, होटल से फिर वो घर चले गए, ट्रीटमेंट उनकी चल रही है, वो दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी रिकवर करें, पाकिस्तान टीम का हिस्सा करें, ज़्यादा देर वो उसमें बाहर ना हो और कम से कम वो जल्दी फिट होकर ट्रेनिंग जोन में अपने आ जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग जोन से अगर ज़्यादा देर तक बाहर रहेंगे तो अफेक्ट्स उनके ऊपर आएंगे, तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, फ़िज़िकली भी एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी स्किल्स का। तो अगर आप इंजरी की वजह से या ऐसे कोई बीमारी की वजह से बाहर हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा खास नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इतनी प्रैक्टिसेस करते हैं तो स्किल्स तो आपके अंदर परमानेंट होती है, सिर्फ वो जो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट वाला जो कॉमन फ्री मफरूज़ा है जो हम सब के को याद होता है जब भी हम बात करते हैं, स्किल मेक्स मैन परफेक्ट, या तो वो चीज़ जो है ना, तो स्किल्स तो परमानेंट हो जाती हैं आपकी, जो परफेक्शन है वो आप हासिल करने के लिए मज़ीद ट्रेन करते हैं, क्योंकि आप बहुत अरसे भी ट्रेनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं तो आप जब भी आके बैट पकड़ते हैं या बॉल पकड़ते हैं तो आपको पता है बॉल कैसे करनी है, बैट से शॉट्स कैसे खेलने हैं, क्या बेसिक्स हैं उसकी, वो कभी भी नहीं भूलते। लेकिन फ्लो जोन आपका चला जाता है, फ्लो जोन अफेक्ट करता है, जब हम टॉप क्लास हाई एथलीट होते हैं और टॉप क्लास क्रिकेट या स्पोर्ट्स से वाबस्ता होते हैं तो उसमें हमारा जो परफॉर्मिंग जोन है, मेंटल फ्लो स्टेज जो है ना, वो आना बहुत ज़रूरी है। उसकी ब्लॉकेज में भी हो सकती है आपके न्यूरो सिग्नल्स के स्लो डाउन होने की वजह से आपके रिएक्शन स्पीड पे फ़र्क आ सकता है, और एज ए बैट्समैन बैटिंग कंसर्न, बैटिंग में तो आपको पता है सारा एक्शन और रिएक्शन है, बॉल बहुत तेज़ आती है, आपको रिएक्शन करना पड़ता है, शॉट में शॉट मारना पड़ते हैं, उससे पहले आपने उन चीज़ों को समझ कर डिसीजन करना पड़ता है कि आपने रिएक्शन करना कौन सा है। तो मैं दुआ करता हूँ हफीज़ बहुत जल्दी सहतयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर हैं और परफॉर्मर हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस हैं, वर्ल्ड कप में बहुत बेहतर प्लेयर साबित हो सकते हैं। सो आप भी उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी अब वो ट्रेनिंग जोन में वापस आ जाएं। तो ये कप वनडे कप तो अब वो T20 जो कप चल रहा है ये तो अब वो नहीं खेल सकेंगे, लेकिन होपफुली कि वो ट्रेनिंग जोन में ज़रूर आए। सो उनके लिए दुआ करते रहिएगा और एक बात का ख्याल रखिएगा, इससे जो हमने सीखना है कि जब भी हम ट्रेनिंग में जाते हैं, जब भी हम अपने टॉप क्लास स्पोर्ट्स में होते हैं या स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सेफ्टी 4S का ख्याल रखते हैं, जिसमें से पहला S जो है वो सेफ्टी है, नंबर 2 है सस्टेनेबिलिटी, नंबर 3 है स्ट्रेचिंग, नंबर 4 है स्ट्रेंथ। तो आखिर में हम स्ट्रेंथ की चीज़ों पर जाते हैं, ये एक सीक्वेंस है, मैंने एहतियातन बता दिया, लेकिन फ़र्स्ट चीज़ जो है वो सेफ्टी है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ट्रेनिंग जोन में भी जब हो या ट्रेनिंग कर रहे हो तब भी, या आप जब हाइजीन खाना वाना खा रहे हो तो हाइजीन होना चाहिए, आपकी डाइट बड़ी कंट्रोल और मीनिंगफुल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट्स। सो बी विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसके साथ मैं आपके आइंदा आने वाली वीडियोस में इस पे मज़ीद डिटेल और डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हफीज़ जल्दी रिकवर करें, हमारे पास ऑप्शन कम है, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत मुश्किलात में, प्लेयर्स को हम लॉस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे प्लेयर्स को भी हम जल्दी जल्दी फैसले ऊपर नीचे करके इंडक्ट करें, हमें थोड़ा सा कूल एंड काम एंड स्टडी चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।